हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसी भी कोई अपडेट होती है, चाहे वो 68,000 को लेकर हो, चाहे वो 69,000 को लेकर हो, सारी की सारी अपडेट दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जो अपडेट प्रोवाइड की जाए। तो खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो दोस्तों 68,500 में सफल हुए थे। 4,733 के आसपास कुछ छात्र हैं जो पुनर्मूल्यांकन के बाद दोस्तों सफल हो गए थे। उनको आंदोलन करने पड़े थे, परेशानियों का सामना हो रहा था कि कब हमें नियुक्ति पत्र मिलेंगे, कब क्या होगा। तो उनके लिए मैंने रात को एक वीडियो बना करके जो ऑफिशियल दोस्तों नोटिफिकेशन दिखा दिया था, विज्ञप्ति दिखा दी थी, जिसके अंदर दोस्तों उनके ऑनलाइन आवेदन की तिथि वगैरह दी गई थी। लेकिन अब दोस्तों एक और विज्ञप्ति जो आप लोगों के लिए आ गई है, उस विज्ञप्ति के अंदर आप लोगों के लिए दोस्तों एक और खुशखबरी है, नियुक्ति पत्र बांटे जाने की दोस्तों समय सारणी जो है जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो भी आप लोगों के सामने हाजिर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को एक और दे देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को बताए, भारतीय पायलट अभिनंदन जी की भी दोस्तों वापसी होने वाली है, वहाँ से भी खुशखबरी आ चुकी है। तो इसी के जवाब में दोस्तों जय हिंद जय भारत के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या जो है नियुक्ति पत्रों की डेट निकली है। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है जो ऑफिशियल विज्ञप्ति, जिसको मैं बता रहा हूँ। साथ में दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने आप लोगों को रात को ही अपडेट करा दिया था। दोस्तों जिन्होंने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, 1 से लेकर 5 मार्च तक दोस्तों आप लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। उसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो रात को ही आप लोगों को अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब साथ में दोस्तों यहाँ कवर कर लेते हैं, यहाँ डेट भी पड़ी हुई है 28/2/2019 की। दोस्तों अभी ये जो विज्ञप्ति है जारी हो चुकी है, तो यहाँ दोस्तों देख लेते हैं क्या आप लोगों का कब का जो टाइम है वो दिया गया है। तो विज्ञप्ति प्रकाशन का दोस्तों डेट यहाँ आप लोगों के सामने लिखा है 28/2/2019, आप लोग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। साथ में अगर देखा जाए तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरे जाने की जो तिथि होगी दोस्तों वो आप लोगों के सामने 1/3/12 बजे से दोस्तों आप लोगों की आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। और अगर अंतिम तिथि की वहीं पर बात की जाए दोस्तों वो होगी 5/3/2019 7:10 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में अगर देखा जाए तो दोस्तों आवेदन पर उपरांत डाटा प्रोसेसिंग का सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना दोस्तों 6/3/2019 का होगा। साथ में दोस्तों अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो जनपदों में काउंसिलिंग या आयोजन एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना दोस्तों 7/3/2019 से लेकर दोस्तों 8/3/2019 तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी जो है निर्गत कराए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। सो गाइस, जितने भी 4,733 जो दोस्तों छात्र सफल हुए हैं पुनर्मूल्यांकन के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों के हाथ में अब जो है भारत का भविष्य है, आप काफ़ी आगे जाएं, मेरी ऐसी कामना है। साथ में दोस्तों ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप लोगों के लेकर के आया था। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भारतीय पायलट भी वापस आ रहे हैं, तो दोनों खुशखबरी हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड कर दिए हैं। सो गाइस, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।